स्टाइल मतलब क्या होता है का स्टाइल मतलब टीचर की स्टाइल बिल्कुल नहीं होता है सर की स्टाइल बिल्कुल नहीं होता है ये स्टाइल होती है भैया की और दोस्त की जो तुम्हारा दोस्त नहीं हो तो जो तुमको गंदे में हंड डाल के है कि देख मेरी बात सुन इसको ऐसे याद तो बताता हूँ एक सबके एक तुमको ऐसा लगेगा पढ़ हो अगर तुम लोग लेक्चर पढ़ने वाले हो तो भाई वीडियो के भाग जाओ और थोड़े दिन तक हिमालय पर जाओ थोड़े दिन बाद आना क्योंकि हम यहां पर लेक्चर पढ़ते नहीं है हम यहाँ पर बातचीत करते और बातचीत का बाय प्रोडक्ट होता है कि हम लेक्चर समझ में आ जाता है तो फर टाइम लेट्स बिगिन स्ट्रक्चर ऑफ एडम एटम्स की विस्तृत हमेशा एक चीज में बोलता हूँ बचपन जब से पैदा

अगर तुम्हें वो नहीं देखा है तो कई सारी चीजें ऐसी लेक्चर के अंदर जो मैं वहां से रेफर करूंगा ऑब्वियसली बातें बता भी दूंगा ऐसा नहीं करूंगा कि पहले वो देखो फिर देखो है ना तो फिर दिमाग में आता है अरे यार फिर वो देखना पड़ेगा फिर ये नहीं यहां बता दूंगा चिंताली बात नहीं पर हाँ बहुत ज्यादा थोड़ा जल्दी जल्दी समझा देंगे देखो भाई दिखता देखें देखो पहले देता हूं पहले, पहले का कि तुम्हारा जो एटम है वो दिखने कैसे टाइप का एटम के अंदर होंगी बहुत सारे ऐसे ऑर्बिट्स होंगे और उन ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होंगे ठीक है गंदा सा फिगर बन गया भैया बहुत ही गंदा सा देखो ये हमारा होगा न्यूक्लियस न्यूक्लियस के अराउंड होंगी बहुत सारी ऑर्बिट्स ठीक है ये सब ऑर्बिट्स जैसे हमारा सोलर सिस्टम बीच में होता है और आसपास ऑर्बिट्स में प्लान

ये कर लेते हैं ठीक है अब ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ये हमारे न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और आसपास इलेक्ट्रॉन से करते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर है हमको पता है, है, ना? ये ऐसा होता है। देखो हो सकता है नहीं, 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 ऐसा नहीं ऐसा है। पर फिर भी अभी हमको में जो पता... पता है वो ये वाला है तो अभी हमको ये देखना है कि स्ट्रक्चर जिसमें हम आज उतरे हैं जब आज हम पहुंच चुके कि हाँ भैया ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम है यहां तक हम कैसे पहुंचे इसकी पूरी जर्नी क्या है ना पहला ऐसा तो होगा नहीं कि साइंटिस्ट ऐसे सो रहा होगा और ऐसे घराटे मार

पहले शुरुआत में मतलब सबसे पहले हमको यह पता था कि एटम जो है एक smallest, एटम इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी मतलब एटम से छोटा कुछ भी नहीं है, एटम एटम है, है बाद में इलेक्ट्रॉन होता है, है, है. बाद में पता चला थीके? चलो अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं है, प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स जो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज हैं है ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है ठीक है ये तुमने आयंस वाले के अंदर देखा होगा ठीक है तो बेसिकली जो प्रोटॉन है तो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है जो में बताया इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज और ठीक है तो इसलिए हम प्रोटॉन्स का निकनेम

हमको देखना डिस्कवरी इन द फील्ड ऑफ कि भाई सबसे एटम तो की ऐसा लगता था और बाद में हमको सब एटॉमिक पार्टिकल्स पता लगे भाई आज से 100 200 साल बाद हो सकता है कि कोई प्रोटॉन के भी अंदर पांच चीजें होती हो जो हमको नहीं पता अभी है ना पर अभी हमको जितना पता है उसके ऊपर चर्चा करते हैं पर आज से आज से से 100 150 साल बाद हो सकता है कि भाई मान लो मेरा कोई पोता परपोता निकल जाए बहुत ही खतरनाक साइंटिस्ट हो ऐसा बना दे तो तुम्हारे पोते परपोते उससे पढ़ रहे हो ठीक है वाओ चलो देखो अब सब पार्टिकल्स होते हैं इनकी कुछ कुछ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बात है, एक एटम है, तो बात है उनका कुछ, ना, कुछ मास बिना तो कोई होगा नहीं चलो भाई, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन मास क्या क्या होता है सबसे पहले तो ये देखते हैं ठीक है अच्छा साइज तो हमको देखना नहीं है साइज तो हमको देखना नहीं है हमको देखना है मास मास होता तो है वो क्या होता है प्रोटोन का जो मास होता है वो होता है जी ठीक है ये होता है इलेक्ट्रॉन्स का जो मास होता है वो होता है नाइन पॉइंट वन इंटू टेंथ पॉल माइनस थर्टी वन के जी और जो न्यूट्रॉन का मास है वो भी इतना ही होता है जितना प्रोटॉन का है। क्या वन पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेंथ पॉल माइनस ट्वेंटी सेवन के जी आगे बात समझ में ठीक है आगे बात समझ में इतनी बात क्लियर है ठीक है इतनी बात क्लियर है अब अगर हमको मास पता चल गया कि भाई इनका मास इतना है और हमको अब चार्ज पता करना है कि चार्ज कितना होगा तो चार्ज क्या चीज होती है देखो मेरी बात सुनो सिंपल सी बात है जैसे हर चीज का मास होता है कुछ ना कुछ है ना जैसे हर चीज का कुछ ना कुछ हाइट होती है ठीक है मास होता है फिर उसकी लेंथ होती है ब्रेथ होती है फिर उसका कुछ ना कुछ मतलब ये तीन चीजें होती है कुछ ना कुछ टाइम वगैरह हर चीज मतलब हर चीज की यूनिट होती है तो सिमिलरली एक ऐसी चीज होती है चार्ज चार्ज क्या है तुमको क्या क्या है उसके डिटेल में इतना नहीं जाना अरे मेरी पेंसिल गिर गई बहुत महंगी वाली ठीक है चार्ज जो है उसके हमको इतना डिटेल में नहीं जाना बट बेसिकली चार्ज का मतलब मैं तुमको जैसे हर चीज के पास में मास होता है हर चीज के पास में अपनी कुछ रेडियस होती है मतलब कुछ ना कुछ जगह वो एक्वायर कर रहा होगा वैसे हर चीज के पास में अपना चार्ज भी होता है चार्ज एक ऐसी चीज है जो कि हमको दिखती नहीं है मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैलकुलेट नहीं नहीं कर सकते पर इसका मतलब कि चार्ज है नहीं तो हर चीज के पास में अपना कुछ ना कुछ चार्ज होता है ठीक है अब

एनीवेज <laughs> anyway, तो जो तो चार्ज होता है प्रोटॉन्स के ऊपर वो होता है प्लस 1.6 इनटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्स और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होता है माइनस 1.6 इनटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्स ठीक है

प्रोटोन है प्रोटोन है प्रोटोन है प्रोटोन ने बोला मेरे पास में कुछ ना कुछ चार्ज है तो हमने पूछा कितना तो बोला मेरे पास में प्लस वन पॉइंट सिक्स इंटू टेट माइस नाइटिन फिर इलेक्ट्रॉन है बोले कि मेरे पास में कुछ चार्ज है तो उसने पूछा कितना बोले जितना तेरे पास उतना ही पर माइनस की क्वांटिटी में तो अगर हम दोनों साथ में आ गए तो ओवरऑल यहां पर चार्ज कितना हो गया जीरो क्योंकि इसके पास भी उतना ही इसके पास भी उतना है तो ओवरऑल चार्ज कितना हो गया जीरो तो ये जीरो चार्ज हो गया ये प्लस ये माइनस साथ में करा जीरो तो जहां जहां इलेक्ट्रॉन को साथ में रखा है वहां पर उतना चार्ज हो जाएगा अब मान लो कि मैं इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर कर लेता हूं तो ये जो मेरा एटम है इस एटम के पास में कितना चार्ज बच जाएगा भाई पहले तो प्लस और माइनस हो के जीरो बच रहा था अब अगर मैंने इसको हटा दिया तो इसके ऊपर कितना बचा 1.6 माइनस सिंपल सी बात है और अगर मैंने इसमें से प्रोटॉन हटा दिया तो कितना माइनस वन पॉइंट सिक्स इंटू नाइन माइस टेंट ठीक है क्योंकि भाई प्लस का चार्ज हटा दिया ना तो अब सिर्फ माइनस का बचा मेरे एटम के पास में अभी मेरा एटम है इसके में दोनों है तो अभी इसके में जीरो चार्ज है अभी सिर्फ प्रोटोन है तो इसके पास में सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होगा अभी इसके पास में सिर्फ इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास में सिर्फ नेगेटिव चार्ज होगा आगे बात बहुत बढ़िया अब देखो इतना क्लियर है ठीक है अब मास देखो अब तुम मास में एक चीज ध्यान से देखो कि भाई तुमको लगेगा और इसका तो है तो ये बड़ा हो गया अरे नहीं भाई ये देखो ध्यान से सेवन पर टेंट माइन वन है इसका मतलब ये है है कि इसका जो मास वो करीब करीब हजार या दस हजार गुना कम है प्रोटोन और न्यूट्रॉन के मास से तुम खुद सोचो कि भाई जब हम एक किलो काजू कतली लेने जाते हैं तो वहां पर जब नाइन नाइनटी एट नाइन नाइनटी नाइन ग्राम होता है तो भी वो व्यक्ति थोड़ा बहुत बड़ा वन जीरो जीरो फोर या वन जीरो जीरो फाइव ग्राम हमको दे देता है क्योंकि उसके लिए एक दो तीन चार ग्राम मैटर नहीं करता पर यहाँ पर तुम देखो यहाँ पर तो हजार गुना से भी ज्यादा है डिफरेंस यहां पर तो सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है यहां पर तो हज़ार गुना से भी ज्यादा डिफरेंस है तो इसका मतलब तुम तो तो सोचो कि इलेक्ट्रॉन कितना ज्यादा हल्का है है एज कंपेयर टू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो ये बात समझ आ गई अब तो हमको एक चीज जब एक, एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं तो इनमें मैक्सिमम मास किसका होगा बात है न्यूट्रॉन का होगा और प्रोटॉन का होगा और इलेक्ट्रॉन का तो कुछ भी नहीं होगा ना मास के कंपैरिजन में जैसे नाइन नाइन और एक, एक किलो में हम कुछ भी डिफरेंस नहीं समझते वैसे इलेक्ट्रॉन का होना नहीं होना नहीं की बराबर है इलेक्ट्रॉन का होना ना डेफिनेटली चार्ज के कम, चार्ज के केस में जरूरी है कि भाई चार्ज हमको अगर बैलेंस करना है तो पर मास के केस में कोई इतनी बात नहीं है ना इलेक्ट्रॉन हो कि नहीं हो तो इसलिए जो मैक्सिमम मास होता है किसी भी एटम का वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से आता है तो इसलिए जब हम मास कैलकुलेट करते हैं ना तो हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कैलकुलेट करता है इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं कि भाई इसके होने से फर्क पड़ रहा है ये दस हजार गुना कम है जब हमें काजूगत लेने है तो हम एक ग्राम के पीछे नहीं लड़ते तो यहां पर तो भाई दस हजार गुना कम है तो फिर क्या ही लड़ना ना छोड़ो भाड़ में आना इसको। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को मास के केस में नहीं करते बेचारे को अब देखो अब देखते कि कौन क्या लेके तो न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी की सर ने फिर प्रोटॉन्स की डिस्कवरी की सर जे जो थॉमसन ने तो ये लोग थे महाशय से लेके है प्रोटॉन्स को कैनाल रेज भी बोलते हैं रेज भी बोलते हैं क्यों बोलते हैं वो है जिसके अंदर बातचीत होती है ठीक है पर एक चीज ध्यान से समझना हमको प्रोटोन जो है अब तुमको सारी बातें क्लियर होटम्स पड़ाओगे इलेक्ट्रॉनिक प्रोटोन क्यों नहीं निकलते, निकलते तो बोलता कि उल्टी दे है पहले हमको ज्यादा तो अच्छे समझ आता ये करा देता फिर एटम्स करा देते फिर में दूसरा चैप्टर करते फिर, फिर तो भाई किसी को दिक्कत हो देती ही नहीं इतनी केमिस्ट्री है पर उल्टा पढ़ा दिया हमको पता नहीं रीजन तो देखो क्या कह रहा है कि भाई प्रोटोन जो है वो जनरली इंटीरियर में होता है एटम है और इंटीरियर में क्योंकि भाई न्यूक्लियस के अंदर है ना तो इसलिए इसको बाहर निकालना बड़ा डिफिकल्ट होता है पर इलेक्ट्रॉन्स को हम इजीली बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि वो बिल्कुल बाहर ही रिवॉल्व कर रहे होते हैं तो पे, एक बात है नोट करके रखो अब डायरेक्ट नंबर्स अब कुछ नंबर्स होते हैं जो एटम्स रिलेटेड होते हैं पहला होता है एटॉमिक नंबर दूसरा होता है मास नंबर याद करने का फंडा बताता हूं दोस्तों की तरफ देखो मेरी बात सुनो अल्फाबेट तुमको पता है ए से लेकर जेड तक होता है ना तो ए टू जेड लिख दिया अब बस इतना याद रख लो कि ए फॉर एटॉमिक नंबर नहीं होता है तुमको इतना पता है कि अल्फाबेट लिख ले तुम तुम कंफ्यूज बिल्कुल दिमाग ना लगाना बस इतना पहले तो अल्फाबेट लिख लो ए टू जेड अब बस इतना ध्यान रखो कि एटॉमिक नंबर ए फॉर एटॉमिक नंबर नहीं होता है ए इज नॉट एटॉमिक नंबर है ना हमको जनरली पता है ए फॉर एटॉमिक नंबर नहीं है इतना याद रख लिया तो ये बात समझ में आगे दिमाग में कि अच्छा अगर एटॉमिक नंबर नहीं है तो बात है जेड होगा एटॉमिक नंबर तो जेड का मतलब होता है एटॉमिक नंबर और अब हमको दो नंबर पता है एटॉमिक नंबर और मास नंबर ये तो तुमको याद रखना पड़ेगा कि दो टाइप के नंबर होते हैं किसी भी एटम के कौन कौन से एक होता है एटॉमिक नंबर एक होता है मास नंबर ठीक है एटॉमिक नंबर पीरियोडिक टेबल में होता है और मास नंबर जो हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से सॉरी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से निकालते हैं तो अभी बस इतना याद रखो कि जेड फोर एटॉमिक नंबर होगा अब बच्चा ए क्या होगा ऑब्वियसली मास नंबर होगा ठीक है तो ऐसे करके इसको याद कर सकते हो ठीक है ऐसे करके इसको याद कर सकते हो मैंने इसको ऐसे याद रखा है कि ए फॉर एटॉमिक नंबर नहीं होता है तो अगर a नहीं होगा तो क्या होगा हो और द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और मतलब या तो इलेक्ट्रॉन्स या तो प्रोटॉन्स तो अब तुम बोलोगे भैया इलेक्ट्रॉन और तो मतलब मान लो कि किसी एटम के अंदर प्रोटॉन हो गए ग्यारह और इलेक्ट्रॉन हो गए दस तो भैया इसका हम क्या दस लेंगे एटॉमिक नंबर या ग्यारह लेंगे एटॉमिक नंबर क्या लेंगे तो भाई इस केस में तुम ध्यान से देखो कि दिस इज नॉट एन एटम दिस इज एन आयन आयन मतलब वो होता है ना जिसके अंदर से हमने इलेक्ट्रॉन की छेड़खानी करी होती है क्योंकि कोई भी एटम हो दुनिया का वो नेचुरल अगर है मतलब हमने उसमें जब तक छेड़खानी नहीं की तब तक वो उसका चार्ज जीरो ही है एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तो एटम अगर न्यूट्रल है तो एटम के पास में कोई भी चार्ज नहीं है तो अगर एटम के पास में कोई चार्ज नहीं है इसका मतलब क्या है कि जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी हैं तो इसलिए एटॉमिक नंबर कुछ भी हो सकता है दोनों में से ठीक है पर फिर भी अगर ऐसा सीनेरियो आए ना तो तुम हमेशा अगर तुम या तो तुमको समझ में नहीं आ रहा कि भाई इलेक्ट्रॉन ले प्रोटॉन ले तो तुम बस इतना ध्यान रखो कि तुम तुम प्रोटॉन का ले लो ठीक है एटॉमिक नंबर मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोटोन ले ग्यारह प्रोटोन है बारह तेरा प्रोटोन है चौदह प्रोटोन जितने प्रोटोन है उतना एटॉमिक नंबर लिख दो मैं क्यों प्रोटोन कह रहा हूँ क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लेन देन हम सकते ना तो कई बार तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि अरे इसका इलेक्ट्रॉन लिया है इसका इलेक्ट्रॉन दिया है कि क्या हुआ है भले ही आया पर फिर भी तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि अरे इलेक्ट्रॉन में कितने क्या इलेक्ट्रॉन है क्या है तो तुम बिल्कुल चिंता मत करो तुम डायरेक्ट प्रोटोन करो ये मेरी टेक्निक है मैं ये टिप बता रहा हूं तुमको ठीक है तो एटोमिक नंबर सॉरी जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ

चार्ज के केस में फर्क पड़ता है भाई मास के केस में नहीं पड़ता आप बिल्कुल ही किसी इंसान को निगलेक्ट नहीं कर सकते तो नहीं बोल सकते कि इसको फुटबॉल खेलना आता तो किसी काम का नहीं है। हो सकता है पढ़ने में अच्छा हो तो ये नहीं बोल सकते कि इसको पढ़ना नहीं आता तो इसलिए किसी काम का नहीं है। हो सकता फुटबॉल में अच्छा हो ठीक है चलो तो मास नंबर विल बी विलीवल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ठीक है दिस इज द ये हो गया एक ये हो गया दो बात आगे बढ़ते हैं अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ़ एटम के अंदर तो हमको तीन बेसिक मॉडल्स पढ़ने इसके अंदर थॉमसन रदरफोर्ड बोर अब देखो बेसिकली हुआ क्या होगा कि जब भी हम तो इसकी बात करते हैं, एटम्स की बात करते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि

थॉमसन मॉडल की बात करते हैं बाबा का बहुत है था। बाबा का बड़े है तो उन्होंने है। क्यों क्योंकि उनको ऐसा पता चला उन्होंने जब अपनी स्टडी की थोड़ी ऐसा सपने में किसी ने बोला कई गलतियां हो गई होंगी पर फिर भी थॉमसन बाबा ने सबसे एक बढ़िया मॉडल ऑफ एटम दिया उन्होंने बताया कि वो एक स्फीयर की ठीक है पहली बात मतलब बॉल की तरह होता है और उस बॉल के अंदर देखो मैं तुमको बॉल बता देता हूँ मेरा माइक है पर इस माइक को बड़ा एक्सप्ल कर चुका हूँ ठीक है एटम जो है वो कुछ इस बॉल की तरह है अरे खुल जाए यार इतना क्या वो कर रहा है हाँ एटम जो है इस एक एक स्फीयर की तरह है ये एक एटम है ठीक है मतलब ऑब्वियसली बात है असलियत में तो इसके अंदर करोड़ों एटम्स होंगे पर मान लो कि अभी ये एक एटम है अब इस एक एटम के अंदर जो ये पर काटूंगा तो जैसे तरबूज के हो हो यहां पर देखो जैसे कि ये जो छोटे छोटे टाइप से मतलब कुछ भी समझ लो तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है वो धसे हुए होते तो किसी भी एटम के अंदर तो मतलब एम्बेडेड होते हैं ठीक है थीके? तो इनका कहने का सिंपल था कि एटम जो है सबसे पहली बात पॉजिटिवली चार्ज फीय मतलब पूरा फियर है पॉजिटिव चार्ज का

क्या इनकी सारी बातें गलत थी नहीं इनकी कुछ बातें सही भी थी देखो ये ये पूरी बॉल ऑफ पॉजिटिव चार्ज है इनके लिए एटम और

तक पता है ठीक है अब आगे अगला मॉडल रदरफोर्ड मॉडल रदरफोर्ड मॉडल के कई सारे नाम है रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड गोल्ड फल एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड हीलियम एक्सपेरिमेंट कुछ भी इस टाइप का तुमको नाम दे सकते हैं पर रदरफोर्ड बाबा ने क्या बोला रदरफोर्ड बाबा ने बोला कि मैं ना थॉमसन से अच्छा हूँ उन्होंने बोला कि भाई मैं जो हूँ मैं सिर्फ ऐसे आके बग 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 करके नहीं चला मैं पूरा एक्सपेरिमेंट अपना देके जा रहा हूँ तुमको ये लो मेरा एक्सपेरिमेंट और इसमें इसके हिसाब से तुम निकाल लो तो तुमको पता चल जाएगा कि भाई और भी कुछ होता है एटम के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तो इन्होंने क्या बोला इन्होंने बोला कि चलो एक् एक एक्सपेरिमेंट करता चलो चल आया ठीक है चलो मिलकर साथ में एक्सपेरिमेंट करते आ जाओ यस इन्होंने क्या बोला कि तीन चीज़ें लो हमने बोला ठीक है इसने बोला अल्फा पार्टिकल हाँ भाई एक अल्फ़ा पार्टिकल लेना इन्होंने बोला कि गोल्ड फल हाँ भाई गोल्ड गोल्ड महंगा हो गया अरे यार चल मतला तो लो भाई गोल्ड महंगा हो गया पर नहीं लाता पर ऐसे समझ लेते है मान लो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तीसरा जेड एन जिंक सल्फाइड स्क्रीन देखो अल्फा पार्टिकल क्या होता है भैया गोल्ड फॉल तो समझ में आ गया है ना जैसे हमारी एल्यूमिनियम फॉल होती है खाने की हम उसको करते हैं वैसे गोल्ड फॉल होगी हाँ बिल्कुल सही बात है गोल्ड फॉल होगी एल्युमिनियम वाली जो है उससे भी बहुत थिन होती है मतलब बहुत ही ज्यादा थिन मतलब तुम हल्का सा टच करो तो मुड़ जाए इतनी थिन इतनी ज्यादा थिन ठीक है तो सबसे पहले तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है अल्फा पार्टिकल का मतलब होता hi. so hi है हीलियम टू प्लस पार्टिकल मतलब एच टू प्लस इसका मतलब तुम ये भी बोल सकते हैं इसको अलग अलग नाम है इसका हीलियम न्यूक्लाई भी बोलते हैं इसको ठीक है इसको ऐसा ही बोलते हैं कि हीलियम हीलियम न्यूक्लाई भी बोल हैं इसको ठीक है तो हीलियम एटम या हीलियम टू प्लस हीलियम आयन भी बोल हैं इसको तो बेसिकली एच यानी कि हीलियम जो होता है हीलियम के पास में क्या होता है भाई हीलियम जो है अगर मान लो मैं इसमें से दो इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेता हूं तो हीलियम के ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा टू प्लस का चार्ज हो जाएगा तो जब ऐसे हीलियम को मैंने एक और नाम दिया है निकनेम जिसको हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल दैट्स इट ठीक है मतलब हम हर एटम से इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन को लेना देना कर सकते हैं अगर मैंने हीलियम के अंदर टू प्लस का पॉजिटिव चार्ज लगवा दिया मतलब इलेक्ट्रॉन हटा के टू प्लस पॉजिटिव चार्ज लगवा दिया तो ऐसे हीलियम को यानी कि एच ई टू प्लस को मैं बोलूंगा अल्फा पार्टिकल ठीक है तो हीलियम आयन बोल लो हीलियम न्यूक्लियाई बोल लो न्यूक्लियाई मतलब कि अगर मैंने इलेक्ट्रॉन्स निकाले तो उसमें बस और न्यूट्रॉन ही बचाना दो इलेक्ट्रॉन और दो दोनों

अच्छा सॉरी अगला है जेडन स्क्रीन जेडन स्क्रीन मतलब कि ये जो एक्सपेरिमेंट करेंगे इसको ऑब्जर्व क्या करेंगे स्क्रीन के पर तो ना थिएटर वेटर बनाकर रखा अपने घर के अंदर देखो अब एक्सपेरिमेंट कुछ इस टाइप का बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है हमने सबसे पहले क्या किया हमने गोल्ड फॉल लिया ठीक है हमने क्या किया हमने गोल्ड फॉल लिया अभी गोल्ड फॉल लाने के लिए एक पेपर मैं निकाल लेता हूँ पर फाड़ने का मतलब नहीं पेपर वेस्ट करने से मतलब नहीं मान लो कि मेरी गोल्ड फॉल है ना अब मैंने गोल्ड फॉल को यहां रखा ऐसा मैंने किया? मैंने गोल्ड ली गोल्ड फॉल को रखा। यहां पर मैंने एक बंदूक ली उस बंदूक के अंदर थे बहुत अल्फा पार्टिकल, मशीन गन थी और मैंने दर 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 करके इसके ऊपर मारना चालू कर दिया गोली लगाना चालू दिया अब अगर नॉर्मल बंदूक की गोली तो, तो आर पर निकल जाती है ना पर यहां पर अल्फा पार्टिकल है तो हमको ये देखना है कि अल्फा पार्टिकल बेसिकली जो काम है इसीलिए ना ये जो इतनी पतली थी इस पतली सी गोल्ड गोल्डो के अंदर भी बहुत सारे लेयर ऑफ एटम्स होंगे है ना ये जो इसकी मोटापा है जो जो इसकी ये जो इसकी ये थिकनेस है ना जो इतनी सी थिकनेस तुमको देखने को मिल रही है इस छोटी सी थिकनेस के अंदर भी बहुत सारे लेयर ऑफ एटम्स होंगे क्योंकि एटम्स बहुत ही पिद्दू सी चीज होती है और इत, इस, ऐसा थोड़ी कि बस ये एक ही लेयर ऑफ एटम पर है नहीं नहीं भाई इसको अगर तुम बहुत ज्यादा जून करके देखो ना तो इसके अंदर भी तुमको कुछ कुछ लेयर ऑफ एटम्स देखने को मिल जाएगी कुछ कुछ लेयर ऑफ एटम देखने को मिल जाएगी ठीक है अगर मान लो कि मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करके देखू ये वाली थिकनेस को ये वाली साइड को थोड़ा सा देखो तो मेरे को इस थिकने थिकनेस के अंदर भी कुछ कुछ लेयर ऑफ एटम्स मिल जाएंगे इस टाइप है ना भले वो बहुत पतला है पर जब मैं इसको बहुत ही मैग्नीफाई करूंगा तो मुझे कुछ लेयर ऑफ एटम्स मिल जाएंगे ठीक है तो हम हमको बेसिकली क्या कर रहे हैं कि अल्फा पार्टिकल यहाँ से आया इस गोल्ड फॉल से टकराया अब गोल्ड फॉल से टकराने का मतलब क्या है कि वो यहाँ पर जो कुछ दो तीन लेयर ऑफ एटम्स थे उनसे टकराया है, है ना अब उनसे टकरा के इस अल्फा पार्टिकल का क्या हो रहा है क्या ये सीधे के सीधे पास हो रहा है क्या फिर ये इधर उधर टेढ़ा हो रहा है या क्या फिर टकरा के वापस आ जा रहा है मैंने यहां मारा यहां से क्या है वापस आ गया तो हमको बस ये तीन चीज ऑब्जर्व करनी है क्या हमने क्या किया हमने गोल्ड फॉल ली और उसमें मशीन गन चला दी सिंपल सी बात है अब भाई मशीन गन चलाई तो जब अल्फा पार्टिकल मतलब मशीन गन के अंदर हम क्या फीट किया गोली फीड नहीं किया हमको किसी को मारना नहीं है ना हम बिल्कुल भी वायलेंस पर बिलीव नहीं करते हम नॉन वायलेंस वाले लोग हम सत्य वाले लोग हैं तो हमने क्या किया हमने अल्फा पार्टिकल चलाया अब जब अल्फा पार्टिकल चलाया तो इस पर टकराया अब इस पर टकराया मतलब गोल्ड फॉल पर टकराया मतलब क्या कि गोल्ड के एटम से टकराया है।, है ना अभी सिर्फ एटम एटॉमिक लेवल पर देखो सब चीजों को मैग्नीफाई करके देखो मैंने इसको मैग्नीफाई करके देखा बहुत ही ज्यादा जूम इन करके देखा तो इसके अंदर भी एक दो तीन लेयर ऑफ एटम्स होंगे है ना ज्यादा लेंत तो नहीं दो तीन लेयर ऑफ एटम्स होंगे ठीक है और जब वो इससे टकराया तो इससे टकराने के बाद इस एटम का क्या

अब देख लो ध्यान से तो हमने क्या किया ये अल्फा पार्टिकल एमिटर है जो मेरी मशीन गन थी इससे मैं बहुत सारे अल्फा पार्टिकल वो कर रहा हूँ बंबार कर रहा हूं इसके ऊपर ये मेरी गोल्ड फॉल है इसके ऊपर टकराने के बाद हमने हमको देखना है कि अल्फा पार्टिकल सीधे जा रहे हैं या तेड़ हो रहे हैं या कुछ वापस पलट के आ रहे हैं ठीक है थीके? तो हमने क्या ऑब्जर्व किया हमने ऐसा ऑब्जर्व किया कि मोस्ट most... अच्छा ये तुमको थिकनेस बता दूं तो बेसिकली हो कह रहा है मैं इसका साइड एंगल बता देता हूँ साइड व्यू ठीक है ये रही हमारे अल्फा पार्टिकल की बंदूक ठीक है ये रही हमारे पार्टिकल की बंदूक और ये रही हमारी स्क्रीन ठीक है ये हमारी स्क्रीन है अब अल्फा पार्टिकल यहां से निकला यहाँ से निकला और यहाँ इस गोल्ड फल पर टकरा ये गोल्ड की थिकनेस वाला पार्ट है हाँ मतलब ये सामने की पार्ट नहीं सामने समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ मैं इस वाले जोन की बात कर रहा हूँ इसकी इसको मैंने जूम इन करके ऐसा बनाया है ठीक है चलो अब अल्फा पार्टिकल यहाँ आया अब यहाँ से टकराया है ना यहाँ से जब ये टकराया इन एटम से तो क्या हुआ क्या ये सीधा निकल गया क्या ये इधर टेढ़ा हो गया क्या ये वापस पलट के आ गया ठीक है अब एक रीजन ये भी कि हमने गोल्ड फल क्यों ली गोल्डी मतलब वो पतली शीट्स में आ सकती है। अगर मैं कोई और लेता, लेता है, सिल्वर लेता है, कुछ और लेता जिसकी थिकनेस मोटी होती है तो अगर इतनी थिकनेस होती अगर उसकी, तो सोचो उसके अंदर तो भाई हजारों एटम्स होती है तो मैं ढंग से कैलकुलेट ही नहीं कर पाता मैंने इसलिए तो गोल्ड लिया कम कम लेयर ऑफ हो ताकि जो हिलम पार्टिकल उसको कम से कम एटम्स के साथ में अपना लड़ाई झगड़ा करना पड़े अगर मैक्म बहुत सारे लेर लेते मेड़ा करके पता नहीं क्या घुमाता तो रिजल्ट मेरा पक्का नहीं आता है इसने

अप्रॉक्सिमेटली जो कि टकरा के वापस आ गया ठीक है तो इससे हमको कंक्लूजन क्या मिला इससे हमको कंक्लूजन ही मिला कि भाई चूंकि देखो ये मेरा अल्फा पार्टिकल है ठीक है ये मेरा अल्फा पार्टिकल है ये यहाँ पर मेरी गोल्ड फॉल है और इसके अंदर ही आइटम है है ना मैं सिर्फ एक आइटम से अभी इंटरेक्शन बता रहा हूँ तुमको ये अल्फा पार्टिकल इस पर आया अब अगर मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जो है वो मैक्सिमम सीधे ही पास हो जा रहे हैं तो इसका मतलब ये जो एटम है जिस एटम के ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूँ ना मुझे अल्टीमेटली इसी एटम के बारे में चर्चा करनी है भाई मैंने गोल्ड फॉल क्यों लिया ताकि मैं गोल्ड फॉल की थिकनेस में जो एटम्स है उनके ऊपर चर्चा कर सकू और बता सकू कि भाई एटम का एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा होता है तो अगर तुम ध्यान से देखो तो अगर मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल अगर सीधे जा रहे हैं तो मतलब ये जो एटम uh, है ये मैक्सिमम स्पेस इसके अंदर खाली है

और सिमिलर रिपेल मतलब कि अगर चुंबक के अंदर हम देखते तो नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल रिपेल करते हैं पर नॉर्थ पोल साउथ पोल अट्रैक्ट करता है तो ऐसे याद रखो कि अगर हीलियम टू प्लस पार्टिकल आर्टिक, है ये क्या है भाई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है अब अगर ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, पार्टिकल किसी से मतलब डायरेक्शन चेंज कर रहा है मतलब चलते चलते ऐसा टकरा के इधर हो जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो किसी और पॉजिटिव चार्ज से मिला है भाई वो पॉजिटिव जा रहा है मैं तो रस्ते से जा रहा था थालपुरी खा रहा था पर वो किसी और पॉजिटिव चार्ज से मिल गया तो उसके दिमाग खराब हो गया उसने रिपेल किया तो थोड़ा सा डायरेक्शन उसने बदल ली इतनी बात समझ में आ गई ठीक है अब हमको ये पता चला इससे कि अगर बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स ऐसे हैं इसका मतलब यह हुआ कि उस एटम के अंदर बहुत ही कम ऐसी जगह जहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा है ना मैक्सिमम जगह तो खाली है पर अगर बहुत ही कम ऐसे अल्फा पार्टिकल जो थोड़े बहुत डिफ्लेक्ट हो भी रहे हैं तो इसका मतलब यह है है कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज जरूर है, पर बहुत कम जगह पर तो इससे थॉमसन बाबा की डिस्कवरी तो फेल होगी थॉमसन बाबा का मतलब था कि पूरा एटम पॉजिटिवली चार्ज फेयर है पर अगर पूरा एटम पॉजिटिव चार्ज फेर होता तो फिर तो एक भी अल्फा पार्टिकल सीधे पास नहीं करता वही सब तेड़ हो जाता क्योंकि सब रिपेल करते सब दूर दूर भाग जाते हैं पर यहां पर ऐसा नहीं हुआ इसका मतलब जगह बहुत सारी खाली और दूसरा जो पॉजिटिव चार्ज बहुत ही कम जगह पे अब तीसरा तीसरा ये है कि बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल थे जो कि टकरा के वापस आ गया इसका मतलब जिस पॉइंट पे वो टकराए होंगे वो पॉइंट बिल्कुल ऐसा बिल्कुल बिल्कुल ऐसा सपाट होगा है ना बिल्कुल ऐसा होगा पत्थर की तरह वो पॉइंट होगा कि भाई उससे आर-पार को निकल नहीं सकता तो इसका मतलब ये है कि वो जो बिल्कुल पत्थर की तरह पॉइंट था बीच चला जिसको कोई भी भेद नहीं कर पाया है ना वो जो पॉइंट था उस पॉइंट के अंदर सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज और सारा का सारा मास स्टोर्ड है ठीक है तो हमने क्या देखा सबसे पहले तो ये देखा कि मैक्सिमम स्पेस खाली दूसरा हमने देखा कि इस एटम के अंदर बहुत ही कम जगह पे पॉजिटिव चार्ज है अब एक्टली exactly कहां पर वो हमको तीसरे से पता चला क्या पता चला कि अगर बहुत ही कम ऐसे अल्फा पार्टिकल जो कि टकरा के वापस आ गए इसका मतलब ये है कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो सब एक ही जगह पे अब जो अल्फा पार्टिकल बिल्कुल यहां आया होगा वो डिफ्लेक्ट हो गया होगा पर जो अल्फा पार्टिकल बिल्कुल यहां बीच में होगा वो बिल्कुल वापस निकल गया जो अल्फा पार्टिकल थोड़ा नीचे आएगा वो अगेन डिफ्लेक्ट हो होगा तो ये जो पूरा पॉजिटिव चार्ज है ना वो बीच के अंदर है और बाकी सारे ऊपर से जाने वाले सब फ्रीली चले आते बिल्कुल सीधे चले ठीक है तो ये हमको पता चला कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो बिल्कुल सेंटर में है ठीक है चलो बहुत ही बढ़िया तो इससे हमको क्या पता चला कि भाई जो प्रोटॉन्स हैं वो होते हैं आ, वो सारी की सारी जो है वो बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम में स्टोर्ड होते हैं एक्जैक्टली exactly नहीं पता कि सेंटर है पर ये पता चल गया कि, कि सारा पॉजिटिव चार्ज और सारा मास एक ही जगह पे स्टोर है ठीक है सारा पॉजिटिव चार्ज और सारा मास एक ही जगह स्टोर है तो ये हमको पता चल गया अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स है इन्होंने ऐसा बोला रदरफोर्ड बाबा बावन रदर फोड बावन कि भाई जो सारा पॉजिटिव चार्ज और मास है वो बीच में स्टोर्ड है ना और साथ में इन्होंने प्रोटॉन भी बता दिया कि पार्टिकल को हम प्रोटॉन बोलेंगे और इन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ना ऐसे रिवॉल्व करते हैं ऐसे ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं अब इन्होंने ये नहीं बताया हमको कि कितनी ऑर्बिट्स में करते हैं। इनके हिसाब से बस इतना था कि भाई ये 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 हमारा ये हमारा क्या हो गया हमारा प्रोटॉन हो गया ये और इस प्रोटॉन के आसपास में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे बस। बस तो निकल लिए दुनिया से ठीक है <laughs> ऐसा नहीं होगा बट इतनी डिस्कवरी थी पर अब और साइंटिस्ट है ठीक है तो और साइंटिस्ट का ऐसा कहना था जैसे कि एक मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट है मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट ने ऐसा बोला कि भाई एक थ्योरी होती है फिजिक्स के अंदर या केमिस्ट्री के अंदर जिसका जिसका ये मानना होता है कि कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेशन में है

एक्सेलरेशन में होगा और अगर मैं चार्ज पार्टिकल भी तो पता ही तो, तो मैं एक्सेलरेशन में तो क्या होगा कि मैं अपने अंदर से एनर्जी रेडिएट करूंगा मतलब थोड़ी देर में मेरी एनर्जी जो लूज होती जाएगी मतलब ऐसा नहीं होगा कि मेरे पास में जितनी एनर्जी थी तो उतनी है अगर मैं एक्सेलरेशन में तो मैं धीरे धीरे एनर्जी लूज करता रहूंगा अगर मैं एक्सेलेशन में दौड़ रहा हूं बार 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 तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरी जो एनर्जी वो कम होती जाएगी यानी कि मैं एनर्जी रेडिएट कर रहा हूं रेडिएट मतलब कि मैं बाहर दे रहा हूं किसी को बाहर मेरी एनर्जी जा रही है तो इससे क्या होगा इससे होगा कि मेरी खुद की एनर्जी कम हो जाएगी तो एक टाइम पे मैं पूरा जो चक्कर लगा रहा था अभी क्या कर रहा था मैं मान लो कि मैं न्यूक्लियस बीच में है ना अभी न्यूक्लियस बीच में अब इस न्यूक्लियस के आसपास मैं चक्कर लगा रहा था गोल गोल ठीक है अब क्या हो रहा है जैसे जैसे मैं चक्कर लगाते सी बात है अगर मैं चक्कर लगा रहा हूं देखो तुम खुद सोचो अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन में तो उसके उसके पास में कुछ ना कुछ एक्सेलेन तो गई क्योंकि उसको हर इंस्टेंट पर अपनी वेलोसिटी चेंज करनी है ना क्योंकि वेलोसिटी चेंज करनी मतलब ये नहीं कि उसको अपनी स्पीड uh, चेंज करनी है उसको अपनी डायरेक्शन तो हर इंस्टेंट में चेंज करें पहले वो इधर जा रहा था फिर वो इधर जा रहा फिर इधर गया फिर इधर गया फिर इधर गया फिर इधर गया ऐसे कर, कर करके उसने एक सर्कल कंप्लीट किया तो कुल मिलाकर उसको अपनी मतलब डायरेक्शन तो कंटिन्यू चेंज करनी पड़ रही है अब डायरेक्शन चेंज करनी पड़े तो कुछ ना कुछ एक्सेलेन तो लगी गई बिना एक्लेशन डायरेक्शन थोड़ी चेंज कर सकते हैं ना कुछ ना कुछ एक्सेलेन तो देने पड़ेगा बिना एक्सेलेन तो कर नहीं सकते तो क्या हुआ कि मैं चार्ज पार्टिकल है ना और मैं डायरेक्शन चेंज कर करा मतलब आसपास में कुछ ना कुछ जरूर है, है? है ठीक अब मैं उस उस आसपास, उस न्यूक्लियस के या प्रोटॉन का का जो बीच का, जो बीच पार्ट है मेरा, उसके आसपास गोल गोल चक्कर लगा रहा हूं अब धीरे-धीरे -धीर क्या होगा? मेरी एनर्जी कम होती जाएगी और जब मेरी एनर्जी कम होगी तो न्यूक्लियस तो में ऐसे लेट जाऊंगा अब अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी हैं वो सब आके न्यूक्लियस में फॉल हो गए इसका मतलब एटम जो है वो तो बहुत ही अनस्टेबल हो गया भाई अगर एक एटम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन से रिवॉल्व ही नहीं कर पा रहे और वो एटम जो है वो या जो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस में आके गिर जा रहे हैं तो वो एटम क्या खाक स्टेबल होगा उसके इलेक्ट्रॉन्स उसी के अंदर फॉल हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स खुद ही कोलैप्स हो रहा है खुद ही को वो खा जा रहा है खुद ही को डाइजेस्ट कर जाएगा ऐसा तो तो एटम तो एग्जिस्ट नहीं करेगा मैं जैसा दिख रहा हूं है, होता ही नहीं मेरे अंदर के सारे एटम्स ऐसे बिखर रहे होते बिल्कुल ठीक है अरे स्टेप तो हो गई ठीक है आगे बात समझ में तो ये इसका एक ड्रॉबैक था इन्होंने बोला कि भाई इन्होंने ये चीज बताई कि प्रोटॉन था बिल्कुल सही बात है इन्होंने ये भी चीज बताई कि प्रोटॉन जो पूरा पूरी जगह नहीं था कुछ कुछ पार्टिकल था बिल्कुल सही बात है ठीक है इन्होंने ये भी बताया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं ये भी सही बात है पर कैसे रिवॉल्व करते हैं उसमें थोड़ी सी मात खा गए क्योंकि अगर ऐसे रिवॉल्व कर रहे होते हैं, तो भाई बड़ी दिक्कत हो जाती है ठीक है अब आते हैं बोर्ड मॉडल पर जो कि अभी तक का हमारा सबसे मॉडल है इन्होंने क्या बोला इन्होंने बोला कि भाई रदरफोर्ड की सारी बात सही है ठीक है मेरे को उसके फील्ड में जाने नहीं बस उसने जो गलती की वो मैं बता देता दू इसने ऐसा बोल दिया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं एटम्स के अराउंड या न्यूक्लियस के अराउंड पर एक्चुअली जो इक्ट्रॉन है ना रिवॉल्व जरूर करते हैं पर वो डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में करते हैं मतलब ऐसा नहीं होगा कि सारे के सारे एटम एक ही ऑर्बिट में बैठ गए और सब रिवॉल्व करें नहीं 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 ये जो एटम्स है सब डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेंगे ठीक है डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में ठीक है कुछ एटम्स यहाँ रिवॉल्व करेंगे फिर कुछ यहाँ रिवॉल्व करेंगे ठीक है ऐसे तीन चार ऑर्बिट्स होती है इसके अराउंड तो क्या होता है कि हर एक ऑर्बिट का अपना एनर्जी लेवल होता है ठीक है उतनी एनर्जी लेवल उस ऑर्बिट की रहती है तो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर रिवॉल्व करते जाते हैं ठीक है थीके? चलो वे रिवॉल्विंग डिस्क्रिट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन जो नॉट रिडेड एर्ज एक और चीज़, जब ये डिस्क्रिट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं तो ये एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे ये सिर्फ तब रेडिएट करेंगे जब ये एक ही ऑर्बिट में रवाल करें पर अगर अलग अलग में कर रहे तो एनर्जी रिडेट नहीं करेंगे और अगर नहीं करेंगे तो हमारी जो चिंता है तो समस्या खत्म होगी हो अब बढ़िया तरीके से चल रहा है हमारा टाइम ठीक है अभी देखो जो हमारे अलग अलग हमारे शेल से ऑर्बिट्स बताए थे उनको हम एर्जी लेवल्स बोलता है ठीक है अलग अलग एनर्जी लेवल जैसे कि हमारा न्यूक्लिस है तो इसके बाहर जस्ट बाहर जो शल होगा भाई सोलर सिस्टम की तरफ ट्रीट करो ये सन है इसका एक प्लान इसका एक प्लान फिर हमारा फिर एक पैनट फिर एक प्लान ऐसा करके तो सबसे पहले हमारा सन आयानी कि न्यूक्लिस आ गया न्यूक्लिस केस पास जो पहली ऑर्बिट है उसको के शेल हमने सोचा यार एबीसीडी बड़ा कॉमन हो रहा है एबीसीडी चलो बाहर में आना तो हम कुछ नया लेके आते तो हमने के एल एम एन लॉन्च कर दिया तो के हो गया दूसरा हो गया एल तीसरा हो गया एम और चौथा हो गया एन ठीक है तो K, L, M, N, के एल एम एन ऐसे करके हमारी चार शेल्स से के पहली एल दूसरी फिर uh, सॉरी के पहली एल दूसरी एम तीसरी और एन चौथी इसको हम ऐसे भी करते हैं एन एजिक्स टू वन एन एजिक्स टू एन यानी कि कौन से नंबर की शेल है ठीक है तो अगर तुमसे पूछा जाए कि सेकंड शेल है तो तुम क्या बोलोगे सेकंड शेल मतलब कौन सी होगी एल वाली तुमसे पूछा जाए फोर्थ शेल है तो क्या होगी के एल एम एन एन वाली ठीक है ये देखो एन एजिक्स टू ये एल n 2 मतलब l ये बात समझ में आ गई बहुत ही सिंपल सा फिगर है चलो अब भाई न्यूट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स कहां से जाए फिर बीच में है ना हमको इलेक्ट्रॉन मिल गया हमको प्रोटॉन मिल गया हमको न्यूक्लियस वगैरह थोड़ी जानकारी मिल गई कि भाई क्या क्या रिवॉल कर रहे, रहे हैं अब हम न्यूट्रॉन्स की बातचीत करते हैं थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है ठीक है न्यूट्रॉन जो है वो सर ने डिस्कवर किया ठीक है ने डिस्कवर किया जिसका जो मास था वो नियरली प्रोटॉन के बराबर है और इन्होंने बोला कि इसका नाम हम न्यूट्रॉन रख देते क्योंकि न्यूट्रल है न्यूट्रल है तो न्यूट्रॉन नाम रख दो ठीक है न्यूट्रॉन जो है वो सारे आइटम से प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट हाइड्रोजन ये बात याद रखना भाई ये एक मार्क्स में आ सकता है विच इज द एलिमेंट इन विच न्यूट्रॉन्स आर नॉट प्रेजेंट तो तुमको बोलना रहेगा कि भैया हाइड्रोजन होता है वो ठीक है इन जनरल न्यूट्रॉन को हम से रिप्रेजेंट करते हैं और मास ऑफ एटम इज देर फॉर गिवन ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन ये तो मैं तुमको बताई चुका ऑलरेडी ठीक है चलो अब अब देखते हैं कि भाई जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग ऑर्बिट्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है मतलब कि हालांकि ये मैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में बार बार पढ़ा चुका होता हूं पर मैं फिर से बताता हूं ठीक है इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि सिंपल सी बात है बिल्कुल दिमाग में शांति से सुनना हमने बोला मान लो कि किसी एटम है जैसे कि मैं सोडियम का एग्जाम्पल लेता हूं मेरा फेवरेट है मैं हर बार उसी का एक्साम्पल लेता हूं इसमें ग्यारह प्रोटॉन्स होते हैं इसमें ग्यारह इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भैया आपको कैसे पता अरे भाई ये पीरियोडिक टेबल मैंने निकाला नहीं बैठ के तो तुमको याद रखना पड़ेगा कुछ कुछ एटम्स का याद रखना पड़ेगा जो तुम्हारी एनसीईआरटी में दे अब इलेक्ट्रॉस है, अब हमको पता है कि गयारा के गयारा तो बीच में आएगा तुमने पूरी स्टोरी सुन ली तुमको पर तो तुमको पूरी स्टोरी पता नहीं क्लाइमेक्स क्या है हमारी स्टोरी का तुमको पता कि एटम एक्चुअली इतना कैसे तुमको ये पता है ना कि ऐसा दिख रहा है कि बीच में हमारा होगा न्यूक्लियस उसके आसपास होंगी कुछ ऑर्बिट्स और रिवॉल्व करने होंगे इलेक्ट्रॉन्स इतनी बात तुमको पता है अब जो बीच में जो न्यूक्लियस है इसके अंदर हमारे पास में होगा न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो दोनों यहां बस आके अब इलेक्ट्रॉन्स है वो रिवॉल्व कर रहे हैं तो हमको यही देखना है कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है ऐसा होगा कि 11 11 ग्यारह और बाहर वालों को कुछ नहीं मिला क्या ऐसा होगा कि पांच आ गए पांच आ गए और पांच आ, आ गए क्या फिर ऐसा होगा कि छह आ गए चार आ गए और एक आ गया तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा कि भाई कौन सी ऑर्बिट को कितने वो मिलेंगे इलेक्ट्रॉन तो इसको सिंपल तरीके से ट्रीट करते हैं हमने जितने भी ऑर्बिट्स थे उनको बना दिया कॉलोनी है ना और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको बना दिया लोग है ना अब वो जो लोग है उस कॉलोनी के अंदर कहीं ना कहीं घर ढूंढ रहे होंगे जगह ढूंढा होंगे तो हमको ये देखना है कि जब भी मैं उस कॉलोनी में मैं उस पूरे एटम के पास जाता हूं उसमें बोलता हूं कि भैया मुझे किसी कॉलोनी में घर दे दो तो मुझे किस कॉलोनी में घर देगा हमको सबसे पहले वो देखना है ठीक है अब सबसे पहला जो इसका फॉर्मूला है वो ये है कि किसी भी ऑर्बिट के अंदर देखो हर एक कॉलोनी अब तुम खुद ध्यान से देखो कि ये जो कॉलोनी है इसके अंदर सबसे छोटी कॉलोनी तुमको कौन सी दिख रही है जो सबसे पास वाली वो फिर जैसे जैसे आगे बढ़ता रहे वैसे कॉलोनी बड़ी होती आ रही है इसका मतलब क्या है कि हर एक कॉलोनी की अपनी अलग कैपेसिटी होगी ऐसा जरूरी थोड़ी भी। कि कि मान लो अगर इसके अंदर ग्यारह घर बन सकते हैं ग्यारह लोग रह सकते हैं तो इसके अंदर थोड़ी ग्यारह रह सकते हैं ये तो बहुत छोटा है ना इस कंपेरिजन है खुद देखो जितना दूर जाते है उतना बड़ा होता है जितनी पास में कॉलोनी होगी उतनी छोटी कॉलोनी होगी तो तुम खुद सोचो कि कॉलोनी का साइज अगर अलग अलग है तो हर एक कॉलोनी के अंदर अलग अलग नंबर ऑफ लोग आ सकते हैं तो सिमिलरली सारी ऑर्बिट्स का साइज अलग अलग है तो इसे जो सबसे पास वाले ऑर्बिट उसमें सबसे कम इलेक्ट्रॉन्स आएंगे बाहर वाले में ज्यादा आएंगे तो एक्जैक्टली exactly कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो हमको मिलता है बाय द फॉर्मूला टू एन स्क्वायर

टू इंटू टू का स्क्वायर हो गया फोर यानी कि आठ इलेक्ट्रॉन तो दूसरी की कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन फिर थर्ड की क्या हो जाएगी थर्ड की हो जाएगी टू इंटू थ्री का स्क्वायर है ना भाई फॉर्मूला तुमको पता है 2N2, इस फॉर्मुले से हम पता कर रहे हैं तो टू एन स्क्वायर फॉर्मूला है तो क्या हो जाएगी टू इंटू थ्री का स्क्वायर तो कितना हो गया ये टू इंटू नाइन यानी कि एटीन ठीक है फिर चौथी की क्या होगी फोर्थ की क्या होगी टू इंटू फोर का स्क्वायर यानी कि टू फोरज सिक्सटीन यानी कि थर्टी टू तो पहले वाले में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम यानी कि दो घर बन सकते हैं अगले वाले में आठ लोग रह सकते हैं अगले में अठारह रह सकते हैं और अगले में बत्तीस रह सकते हैं आगे बात समझ में बहुत ही बढ़िया ठीक है दूसरा ये देखो तीन रूल्स हम देख रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा तो उसका सबसे पहला रूल तो हमको यह समझ आ गया कि भैया किसकी कितनी कपैसिटी किसकी कितनी औकात है वो तो हमको पता चल गया अब भरेंगे कैसे है ना भरेंगे कैसे वो, भरेंगे ऐसे कि तीसरे रूल से बताता हूँ पहले कि भरते हम कुछ ऐसे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को हम इस तरीके से भरते कि सबसे पहले जो सबसे पहली शैल है वो फिल हो जाए है ना भाई मान लो कि न्यूक्लियस है है ना अब यहां पर है ऑफिस हेडक्वार्टर पूरे पूरे पूरी सोसाइटी का हेडक्वार्टर है, है ना? अब कोई भी बंदा यहां आएगा अगर यहां आएगा तो क्या चाहेगा कि भाई उसका घर इसके पास के पास नहीं रहा है

सबसे एन इज इक्वल टू यानी कि जो फर्स्ट शेल होगी यानी कि जो के शेल होगी सबसे पहले वो भराएंगे जब वो उसका पूरा पेट भर जाएगा फिर अगली शेल पे जम करेंगे फिर अगली शेल का जब पूरा पेट भर जाएगा ऐसा नहीं कि आधा आधा कर दिया नहीं 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 उसका जब पूरा पेट भर जाएगा तब हम आगे बढ़ेंगे ठीक है ये बात समझ आ गई चलो बहुत बढ़िया दूसरा ये था

इसलिए उन्होंने बोला कि भाई भले हमारी कैपेसिटी कितनी भी ज्यादा हो पर हम आठ ही रखेंगे थोड़ी खाली जगह रहने देंगे ठीक है हमको बिल्कुल दिमाग पर लोड नहीं देना तो इसलिए ये चीज तो तीन रूल कौन सा समझा गया कि भाई पहला रूल तो यह है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस टाइप से फिल होते हैं कि मतलब हमें कैपेसिटी बता दी हर है की दूसरा हमने बताया कि भले उसकी कैपेसिटी कितनी भी ज्यादा पर मैक्सिमम हर शेल में आठ इलेक्ट्रॉन रखेंगे और तीसरा हमने बताया कि भाई जो जो शेल्स है वो अंदर से बाहर की तरफ भरा सबसे पहले अंदर वाली यानी कि के फिर एल फिर एम फिर एन ठीक है बहुत ही बढ़िया अब आता है वैलेंसी वैलेंसी की विस्तृत चर्चा करते हैं वैलेंसी बेसिकली क्या है वैलेंसी अगर तुम डेफिनेशन वाइज देखो तो वैलेंसी इज दे कमग... ध्यान से सुनना वैलेंसी इज द कैपेसिटी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन ऑफ एटम ठीक है ये चीज समझ में आ गई अब एक पॉइंट ध्यान से समझ के रखना कि इस जिंदगी के अंदर इस दुनिया के अंदर हम सभी लोग किसकी तरफ भाग रहे हैं भाई स्टेबिलिटी की तरफ किसकी तरफ भाग रहे हैं स्टेबिलिटी की तरफ मतलब हर किसी को क्या चाहिए स्टेबिलिटी उसको जीवन में होना है स्टेबल हम लोग क्यों पढ़ाई कर रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं आगे चल के जिंदगी मतलब जिंदगी वैसे तो मैं जिंदगी मेरी जबान साफ है पर वो तुमको मजा ज्यादा जिंदगी सुनने में आता ना बिस्किट की वजह बिस्कुट सुनने में आता ना वैसे मैं वैसे बातें करता हूँ ठीक है तो वैसे तो तुम्हारे जिंदगी के अंदर अल्टीमेटली हमको क्या चाहिए कि भाई थोड़ी स्टेबिलिटी हो बढ़िया हमारी पैसे वैसे हमारे पास में आ जाए खाते में और बिल्कुल जिंदगी में समस्या नहीं हो, हमारे पेरेंट्स यही चाहते हैं, हैं, तो आप, आप हैं तो है मतलब ज्यादा टेंशन, ना हो। अभी टेंशन ले लो पर जिंदगी में आखिर में पचास साठ साल के हो तो बढ़िया यार रिलैक्स जिंदगी होनी चाहिए तो हम किसकी तरफ भाग रहे अल्टीमेटली स्टेबिलिटी पर जिंदगी में इंसान समझ नहीं पाता कि हम कभी स्टेबल नहीं होते जब तक हमें मृत्यु प्राप्त नहीं होते तो अल्टीमेट स्टेबिलिटी तो वही है हमारे लिए हमको उसकी तरफ नहीं जाना ठीक है हमको बढ़िया अपनी जिंदगी इंजॉय करनी है मुझे तो ऐसे ही तीन सौ चार सौ साल जीना है कम से कम ठीक है ज्यादा नहीं होगा पर ठीक है मेरी इच्छा तो है कुछ ना कुछ तो दवाई बनाऊंगा मैं जिससे तीन सौ साल तक खैर कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम दूसरा एक चीज समझो कि एटम भी क्या चाहता है देखो जैसे हर इंसान स्टेबिलिटी चाहता है तो एटम नहीं चाहेगा क्या एटम का भी तो अधिकार है ना बराबरी का स्टेबिलिटी पाने का तो एटम भी चाहता है एटम वॉन्ट्स स्टेबिलिटी ठीक है अब देखो हमें स्टेबल होने अब तुम बोलोगे भैया इसको स्टेबिलिटी कैसे मिलेगी तो तुम खुद बताओ कि हमें स्टेबल होने के लिए क्या क्या चाहिए हमें स्टेबल होने के लिए चाहिए अच्छी नौकरी अच्छा जॉब अच्छी शादी अच्छे बच्चे और अच्छा घर सब कुछ पर एटम्स की इतनी डिमांड नहीं है एटम्स की डिमांड है कि भाई मेरे को स्टेबल होने के लिए ना बस मेरा आउटर शेल का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए क्या चाहिए इसको कि भाई इसका जो ऑक्टेट है ऑक्टेट है वो कंप्लीट होना चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट होना मतलब कि शेल में आठ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए इसको बस ये चाहिए जिंदगी में मतलब इसके आउटर आउटरमोशल में अगर नौ इलेक्ट्रॉन हो तो ये खुश नहीं होगा सात इलेक्ट्रॉन हो तो भी खुश नहीं होगा इसको बस आउटर आउटरमोशल में आठ इलेक्ट्रॉन चाहिए बड़ा ठीक है ठीक है बस हाँ इसका एक छोटा सा एक्सेप्शन है कि जो

हमको किसी भी एटम का पेट भरने के लिए या उसको स्टेबल करने के लिए उसको ऑक्टेटूल कंप्लीट करने के लिए उससे कितने इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन करना पड़ता है इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन करना पड़ता है इसको हम बोलते हैं वैलेंसी या फिर अगर सिंपल टर्म्स में इंग्लिश की भाषा में बोलूं तो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ठीक है अरे भैया ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा देखो कुछ भी नहीं है सिंपल सी बात है अगर मान लो मैं अपने प्यारे से सोडियम की बात करता हूं

नौ और भर हैं तो नौ और कैसे कि अगली शेल की करेंगे। अब अगली इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम क्या नौ आ सकते हैं इसमें अरे नहीं आ सकते मैक्सिमम सिर्फ आठ आ सकते हैं ये तो हमने देख लिया अभी तो इसका मतलब आठ इसमें आ जाएंगे एक दो तीन चार पांच छ सात और आठ आठ इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए बात खत्म अब आ गए तो बच्चा कितना एक इलेक्ट्रॉन तो एक इलेक्ट्रॉन किस में आएगा अगली शैल में ऐसा नहीं किया थोड़ा धक्का देकर जगह बना लो नहीं 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 वो काम यहाँ नहीं होता है पर बिल्कुल प्रॉपर सिस्टमेटिक काम होता है ऐसा नहीं कि तुमने तो कोनी से धक्का मार के जगह बना लिया अपने लिए नहीं भाई ठीक है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया अब अब देखो बाहर की शेल का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है ये तो बस ऐसी बनी हुई इनको हटाओ कि ये है ही नहीं ऐसा समझो कि एग्जिट नहीं करती ठीक है ऐसा समझ लो कि ये एग्जिस्ट नहीं करती हमारे लिए ठीक है क्योंकि है ही नहीं ना हमारे किसी काम की नहीं ठीक है चलो अरे मैं अब हमारे लिए सिर्फ इतनी कर हैं। ये जो बीच वाली है। अब तुम ध्यान से देखो कि नि सोडियम जो है इसके अंदर इसको चुल मची रहेगी हमेशा ये सोचेगा अरे यार भगवान कहा एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे दिया यार अच्छे बोले आर्ट हो रहे थे अब क्या करूँ इसे एक का उसको चुल रहेगी है ना तो इसके पास में क्या एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ठीक है

तो के में दो आ गए फिर अगले में कितने हैं? एक दो तीन चार पांच छह सात आठ तो एल वाली शेल में आठ इलेक्ट्रॉन है ठीक है तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिकेशन तो हम ऐसे कुछ लिखते हैं इसको कि सोडियम इज टू ऐसा अब अब ध्यान से देखो इसकी ऑटोमोशल में एक इलेक्ट्रॉन तो इसको क्या चाहिए इसको स्टेबल होना है इसको स्टेबल होने के लिए चाहिए में आठ इलेक्ट्रॉन तो अब तुम खुद सोचो कि इसको अगर ऑटोमेशल में आठ इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसके दो ऑप्शन है क्या दो ऑप्शन है तो भाई पहला तो ये किसी बंदे को ढूंढ लो इसको सात इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार हो कि ठीक है मैं सात इलेक्ट्रॉन लेता हूं स्टेबल हो जाता हूं है ना तो इसके ऑटोमेशन में आठ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो खुश हो जाएगा या फिर इसके पास में एक और ऑप्शन है सोचेगा कि भाई कोई मुझे ऐसा मिल जाए जो मेरा इलेक्ट्रॉन लेने को तैयार हो देखो ये आइटम जो है ना बड़े प्यार होते हैं ये ना हवा में अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के नहीं आता है इन, इनको लगता है कि नहीं भाई अगर मैं इलेक्ट्रॉन तो किसी रिस्पॉन्सिबल इंसान को दू है ना ये सिर्फ ऐसा छोड़ नहीं देते ये भले ही उसको छुटकारा पाना चाह रहे हो पर प्यार भी करते हैं ऐसा नहीं कि बिल्कुल छोड़ के आएगा कहीं भी तो इसलिए पहले या तो ऐसा करेंगे कि कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो सात इलेक्ट्रॉन दे दे या फिर ऐसा करेंगे कि कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो एक इलेक्ट्रॉन ले है ना तो इस केस में सोडियम क्या प्रीफर करेगा सोडियम प्रेफर करेगा कि कोई इसका एक इलेक्ट्रॉन ले जाए क्यों? क्योंकि सस्ता काम है इसके लिए भाई तुम खुद सोचो बार फॉर एग्जांपल कि वो तुमको या तो ऑप्शन पास एक्स्ट्रा बुक है या मान लो कि या तो हाँ दो ऑप्शन है कि या तो तुम्हारे पास में एक मोटा सा भारी बक्सा है या तो तुम वो एक बक्सा बाहर जाके देखे आ जाओ जो बाहर आया या फिर जो व्यक्ति आया है उससे सात बक्से लेके आ जाओ तो तुम जाओ हॉल तक फिर एक बक्सा लाओ अपने रूम में फिर वापस जाओ फिर एक और बक्सा लाओ ऐसा तुम सात बार करो तुम्हारे लिए क्या सस्ता काम होगा का? तुम्हारे लिए क्या आसान काम होगा कि भैया ये एक बक्सा उठाओ उसको दो खत्म करो ना फालतू लोड को लेना तो सेम चीज यहाँ पर सोडियम भी करेगा सोडियम क्या करेगा अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा तो जब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग किया तो तुम देखो कि जब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग ही कर दिया तो जब मैंने इलेक्ट्रॉन ही त्याग कर दिया तो ये मेरी शेल तो गायब ही हो गई ये शेल की जरूरत ही नहीं है तो अब बच्ची कौन सी है ये वाली शेल अब इस शेल के अंदर तो ऑलरेडी आठ इलेक्ट्रॉन है ही तो भाई सोडियम ऐसे खुश हो गया ठीक है पर इसके लिए सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन लेने वाले की जरूरत जरूर, जरूर पड़ेगी ठीक है आगे बात समझ में तो इस टाइप से हमारी जो वैलेंसी वो काम करते तो इस केस में सोडियम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी सोडियम की वैलेंसी हो जाएगी वन तो वैलेंसी का मतलब होता है कि हमको कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन करना है स्टेबल होने के लिए ठीक है सिमिलरली मान लो क्लोरीन है तो क्लोरीन के पास होते हैं सत्रह इलेक्ट्रॉन सत्रह इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे तो दो तो यहां आ गए अब बचे कितने पंद्रह तो पंद्रह में से आठ यहाँ आ गए एक दो तीन चार पांच छह सात आठ अब पंद्रह में से आठ बचे तो बचे कितने है? अब सात यानी कि बचे हुए सात इलेक्ट्रॉन बाहर वाले में आ जाएंगे एक दो तीन चार पांच छः सात अब सोडियम के पास में भी दो ऑप्शन है सोडियम का कॉन्फिकेशन क्या हो गया सोडियम का कॉन्फिकेशन हो गया टू एट सेवन इसके पास में भी दो ऑप्शन है या तो ये सात इलेक्ट्रॉन किसी को दान कर दे या फिर ये किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले ले ठीक है तो इसको कोई ऐसा बंदा चाहिए जिसको एक इलेक्ट्रॉन देना हो तो यहाँ आके उसके पास जाके इलेक्ट्रॉन अपना ले लेगा तो इस केस में क्या होगा सोडियम और क्लोरीन भाई क्लोरीन को लगेगा अरे यार कोई एक इलेक्ट्रॉन दे दे भगवान प्लीज वैसा खड़ा रहेगा और सोडियम जो निकलेगा मार्केट में सोचेगा यार काश को एक इलेक्ट्रॉन लेने वाला मिल जाए और उन दोनों की टक्कर होगी उसने लगे क्या भाई ढंग से चल तो क्लोरीन बोलता तू ढंग से चल तो सोडियम बोलता भाई यार प्लीज मैं बहुत परेशान हूं तो क्लोरीन ने पूछा क्या होगा तो सोडियम ने बोला यार मेरे पास ना एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा वाला कोई मिल ही नहीं रहा है उसको ले लेना क्लोरीन के दिमाग में लड्डू फूटा क्लोरीन ने बोला कि भाई पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो मेरे को दे देना मेरे को तो एक चाहिए वाला है तेरे को सही एक चाहिए बस एक ही चाहिए तो उसने हाँ मेरे को भी एक ही चाहिए। तो उन्होंने बोला भाई सही बात है चलो दोस्ती कर लेते गले लग जाते तो जब वो गले लगे तो उनका बॉन्ड बन गया और वो ऐसे चिपक के चिपके ही रह गए इसलिए जब वो इतने खतरनाक तरीके से चिपकते हैं उसको उस, तो उस बॉन्ड को बोलते हैं एनएसएल और ये होता है आयनिक बॉन्ड आयनिक बॉन्ड जो कि ट्रांसफर ऑफ होता है तो बेसिकली क्या हुआ सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया क्लोरीन को ठीक है और जब वो ट्रांसफर कर रहा था उस ट्रांसफर करने के प्रोसेस में सोडियम के ऊपर कितना चार्ज आ जा जाएगा प्लस वन का क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है और क्लोरीन के ऊपर एक्सेप्ट कर रहा है ठीक है तो ऐसे करके बात समझ में क्लियर बहुत ही बढ़िया तो वैलेंसी निकालने का एक सिंपल तरीका है कि भाई हमको ये चीज पता कि कितने का फिर इसका दूसरा फंडा भी है अगर जीरो से लेकर चार इलेक्ट्रॉन्स हैं तो जो वैलेंसी होगी वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर हो जाएगी और अगर आउटर मोस्ट शेल में अगर आउटर मोस्ट शेल में पांच से लेके आठ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वैलेंसी क्या हो जाएगी वैलेंसी बी इक्वल्स टू एट माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ठीक है भाई सिंपल सी बात है अगर मान लो किसी इलेक्ट्रॉन में किसी एटम के अंदर पांच पांच इलेक्ट्रॉन्स हैं तो क्या वो पांच लूज करना प्रेफर करेगा या तीन गेन करना प्रेफर करेगा तीन गेन करना तो तीन उसने ले लिए कितने का भी लेन तीन का लेन हुआ तो वैलेंसी कितने हो गए तीन तुमको ये नहीं बताना कि भाई लेन देन हुआ कि क्या हुआ तुमको एक्सचेंज बतना कितना तो तीन का एक्सचेंज हुआ तो इसकी इस हो गई तीन अब इसका दूसरा तरीका भी है तुम कैसे कर सकते हो अगर तुम एट माइनस फाइव करो उसका ऑटोमेशल में पांच इलेक्ट्रॉन अगर तुम एट माइनस फाइव करो तो भी तीन आएगा तो अगर पांच से ज्यादा इलेक्ट्रॉन् तो अब्वेसी बात है हमको कितने इलेक्ट्रॉन लेने हैं वो हम सोचते हैं और कितने लेने होंगे एट माइनस उतने इलेक्ट्रॉन तो वही चीज हमने यहाँ पे की ठीक है और अगर मान लो कि मेरे पास में दो इलेक्ट्रॉन्स है तो मैं दो के दो इलेक्ट्रॉन अगर दान कर दूंगा तो मेरा काम खत्म हो जाएगा कि भाई या तो मैं दो दान करूं या फिर मैं छह लूं तो इजी क्या है दो दान कर देना तो मैं दो दान करके निकल जाऊंगा ठीक है तो इसलिए मेरी बैलेंस हो जाएगी दो आगे बात समझ में बहुत ही बढ़िया ये देखो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स की वैलेंसी तुम निकाल सकते हो कैसे दे रखे वैलेंसी जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के केस में ऑटोमोशल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है पांच अब तुम खुद सोचो पांच इलेक्ट्रॉन्स हैं तो या तो पांच दे दूं या तीन ले लूं आसान क्या है तीन लेना तो इसलिए वैलेंसी होगी तीन सिंपल सी बात है सिमिलरली कोई सा भी ले लो उठा के तुमने अब जैसे कि यह है तुम्हारे पास में क्या बोलते हैं फॉस्फोरस ठीक है तो फॉस्फोरस थोड़ा स्पेशल एलिमेंट है मतलब ये थोड़े स्पेशल एक्सेप्शनल केसेस होते हैं अब जैसे क्लोरीन है या चलो क्लोरीन तो हो गया अपने पास में बोरॉन है तो बोरॉन के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है तीन इलेक्ट्रॉन है तो इसके दो इसके दो ऑप्शन है या तो तीन इलेक्ट्रॉन दान कर दे या फिर पांच इलेक्ट्रॉन गेन कर ले पर लेकर इलेक्ट्रॉन गेन करना डिफिकल्ट है तीन दान करना इजी है तो तीन दान कर देगा तो इसकी वैलेंस हो तीन। या फिर आप तुम तो फॉर्मले से भी कर सकते हो जैसे कि इसके शेल में दो इलेक्ट्रॉन है ना तो फॉर्मले के हिसाब से क्या होगा कि अगर जीरो से लेकर तक शेल में इलेक्ट्रॉन है तो जितने इलेक्ट्रॉन से उतनी वैलेंस होगी तो देखो इसकी वैलेंस हो गई दो सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूँ इसके शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है छह इलेक्ट्रॉन है ना ये वाले ऑटोम छह इलेक्ट्रॉन है तो अगर पांच से आठ के बीच में कितनी हो जाती है माइनस माइनस नंबर ऑफ तो यानी के टू ठीक है बहुत ही बढ़िया ये देखो ये सारे के सारे सबके डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है अब कंपाउंड्स कैसे फॉर्म होते हैं तो कंपाउंड्स हमको बताई दिया ऐसे फॉर्म होते हैं कि भाई एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पर देखा मैग्नीशियम मान लो कि हमको बनाना है फॉर uh, एग्जांपल हमको बनाना है एम मैग्नीशियम क्लोराइड बनाना है, है? ठीक मैग्नीशियम और क्लोराइड बनाना है। तो अब हम ये देखते पहले बात किसकी कितनी होगी देखो मैग्नीशियम के शेल में होते हैं दो इलेक्ट्रॉन्स ठीक है मैग्नीशियम के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन से कहा गया भाई ये शेल है की शेल में दो इलेक्ट्रॉन से ठीक है और हमको बनाना मैग्नीशियम क्लोराइड तो अब हमको क्लोरीन देखना तो में कितने इलेक्ट्रॉन है सात इलेक्ट्रॉन है ठीक है तो ये समझो मैग्नीशियम के शेल में दो इलेक्ट्रॉन है

उसने क्लोरीन को बोला कि एक काम कर तू ना अपने ऐसा एक और बंदा लिया क्योंकि तेरे को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तेरे दोस्त को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा तेरे जो भाई होगा जो क्लोरीन होगा एक, एक और उसको भी तुझे भी एक चाहिए उसको भी एक ही चाहिए होगा तो एक काम करो तुम दोनों साथ में आ जाओ है ना अभी तो अकेला क्लोरीन है और मैं मैग्नेशियम हूं मैं दो देना चाहता हूं तो एक लेना चाहता है तो तू एक काम कर तो दो क्लोरिन लिया दो क्लोरीन लिया दोनों को सामने खड़ा कर मैं अपने दो इलेक्ट्रॉन अपने सामने तुम दोनों को एक साथ बांट दूंगा ठीक है तो उसको वसीयत में दोनों इलेक्ट्रॉन्स दोनों को साथ में इलेक्ट्रॉन देना है तो क्लोरीन ने क्या कहा हाँ भाई ये बढ़िया आइडिया तो हमें एक काम करें तो दो क्लोरीन लेते हैं तो इसका मतलब कंपाउंड क्या बनेगा एक मैग्नीशियम दो क्लोरीन एम जी सी एल टू बहुत ही सिंपल था बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन था इससे ज्यादा सिंपल और क्या लोगे अगर तुमको नहीं समझ में आया तो भाई एक्सप्लेनेशन वाज़ द इजीएस्ट चिंता मत करो पिछले पांच सात मिनट रिवाइंड करके देख लो भाई ये एक्सप्लेनेशन तगड़ा है बहुत next level है और अगर तुमको पसंद आया ना मजा आ गया सुनके, तो टाइम के साथ में नीचे डालो कि भैया ये तो आग लगा दिया आपने है ना चलो मतलब तुमने भी और मैंने भी आगे बात समझ में तो ऐसे बनता है बॉन्ड सिमिलरली भाई सोडियम था सोडियम को सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन देना था अब अब एल्यूमिनियम जो है उसको तीन इलेक्ट्रॉन देने हैं ल्यूमिनियम को तीन इलेक्ट्रॉन देने तो एल्युमिनियम क्या बोलेगा कि क्लोरीन तू अपने जैसे तीन भाइयों को ला मतलब कि मैं तीन क्लोरीन को दूंगा एक साथ तो एक तुझे दिया एक भी इसको दिया एक इसको दिया तो ऐसे करके मैं अपने तीन इलेक्ट्रॉन लूज करूंगा और तुम तीनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो तब क्या बॉन्ड बनेगा एल एक सीएल तीन ए एल सी एल थ्री ठीक है अब आगे बात समझ में बहुत ही सिंपल फंडे से बताया मैंने तुमको अब इसको थोड़ा और सिंपल करके बता देता हूँ मतलब अब थोड़ा और थोड़ी ऐसी बुकिश लैंग्वेज में बता देता हूँ जो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना देखो मेरी बात सुनो इतना समझ में आ गया ठीक है इतना क्लियर है अब आगे बढ़ते हैं अब देखो मेरी बात सुनो बस इतना ध्यान रखना कि अब हम पहले तो ये देख लेते उसको स्टेबल कैसे करना तो पहले उसकी आयन बना लेते हैं उसका तो मैग्नेशियम जो है भाई इसको दो इलेक्ट्रॉन लूज करना है तो अगर दो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ये क्या बन जाएगा एम जी टू प्लस क्लियर है क्लोरीन जो था इसको एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है टू तो बिकम स्टेबल तुम पहले ये चेक करो कि स्टेबल बनने के लिए दिखेगा कैसे तुम पहले इसका एक प्रोटोटा बनाओ सैंपल बनाओ कि अगर इसको स्टेबल कर दिया मतलब सोचो कि अगर इसको स्टेबल कर दिया तो कैसा दिखेगा तो तुमको सोचो क्लोरन अभी हम ये नहीं देख रहे भाई रहेन को मैग्नीशियम से जोड़ना है सोडियम से जोड़ना है किससे जोड़ना है अभी तुम बस ये देखो यार क्लोरीन बेचारा ऐसा घूम रहा है इसको अगर मैं अच्छे कपड़े पहना ये इसको अगर मैं अच्छे से स्टेबल कर दू तो ये दिखेगा कैसा तो तुम सोचो कि इसके अंदर सात इलेक्ट्रॉन है शेल में तो इसको एक और इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा तो स्टेबल हो जाएगा और जैसे ही मैं एक और इलेक्ट्रॉन दूंगा इसका जो जो इलेक्ट्रॉन प्रोटोन जो बैलेंस था वो बिगड़ जाएगा मतलब मैंने एक इलेक्ट्रॉन दिया भाई स्टेबल करना प्रायोरिटी है बैलेंस वैलेंस बाहर में जाए ना हमको फर्क नहीं पड़ता कि न्यूट्रल लेके नहीं हमको वो स्टेबल करना है पहले तो हमने सोचा कि काम करते हैं एक इलेक्ट्रॉन उसको देख देखते हैं तो हमने इसको इलेक्ट्रॉन देख देखा तो क्लोरिन कैसा दिखेगा सी एल माइनस जैसे दिखेगा मैग्नेशियम कैसा देखा एम जी टू प्लस देखा तो अगर तुम्हें इनके आयन पता है ना जैसे अब ये क्या आयंस बन गए आयंस मतलब वही की एटम का स्टेबल रूप जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन का लेनदेन कर दिया अगर तुमको इसके आयन पता है तो तुम डायरेक्टली इसका कंपाउंड फॉर्म कर सकते हो कैसे तुमने लिखा mg2+ तुमने लिखा cl- कुछ नहीं करना क्रिस क्रॉस मतलब यहाँ जो वैल्यू है उसको उठा के यहां रख दो और यहां जो वैल्यू उसको उठा के यहां रख दो तो भाई mg यहां की वैल्यू थी माइनस है मतलब -1 भाई माइनस है मतलब 1 है ना प्लस है सिर्फ प्लस लिखा है मतलब समझ जाओ कि प्लस वन है हम वन लिखते नहीं है वो समझ में समझना वाली बात होती है ठीक है वैसे तो कायदे से कि क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकाला है ना पर हम सिर्फ माइनस लिख देता है थीके? तो माइनस और पर 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 प्लस तो यहाँ पर वन था, तो था है यहाँ पर वन आ गया और सीएल लिखा और यहां पर टू था तो इसको मैंने नीचे लिख दिया तो क्या हो गया सीएल टू अब वन लिखने की जरूरत तो है नहीं तो बन जाएगा ये एम जी सीएल टू ऐसे करके तुम सारे ही कंपाउंड बना सकते हो सारे कंपाउंड ठीक है अगर कोई ऐसा होता है कि मान लो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि किसी को अभी तो यहां पर क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन लेना था तो काम हो गया अब मान लो कोई ऐसा है जिसको भाई को दो इलेक्ट्रॉन लेने हो है ना दो इलेक्ट्रॉन लेने वाला कौन है आ, दो इलेक्ट्रॉन लेने वाला कौन होगा ये छः वाला सल्फर ठीक है तो आ, अगर मैं क्या बनाऊँ क्या बनाऊ क्या बनाऊ अगर मैं अलूमिनियम ठीक है एल्यूमिनियम अच्छा क्लोरीन इसका था था वो है नहीं ना अपने पास में ज्यादा नाइट्राइट वगैरह तो बेसिकली मैं तुमको बता देता हूँ फंडा क्या है फंडा बस इतना सा है कि अगर मान लो कि कोई एलिमेंट है एक्स

अब भैया हम फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि ऊपर का लिखे नीचे का लिखे कोई लोड नहीं लेना भाई तुमको अब याद आएगा अब वजह मैंने तुमको शुरू बोला ना मैंने तुम्हें बोला ना कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखा करो ए टू जेड तो सिमिलरली कोई भी एलिमेंट अगर तुम लोग एक्स कोई भी एलिमेंट है ना उसका मान लो सिंबल एक्स है तो तुमको ए से लेकर जेड लिखना है मतलब ऊपर हमेशा पहले हम ए लिखते फिर जेड लिखते तो तुम बस इतना लिख दो ए जेड है ना ऊपर ए लिख दो नीचे जेड लिख दो अब तुमको पता ही है कि ए फॉर एटॉमिक नंबर नहीं होता है तो यहां पर ऊपर आ जाएगा मास नंबर ये देखो ये आ गया मास नंबर और नीचे आ गया एटॉमिक नंबर सिंपल फॉर एग्जांपल चलो किसी का लिख के देखते हैं मान लो कि हमको लिखना है किसका लिखना है हम लिखते हैं लेट से फ्लोरिन का लिखते हैं तो फ्लोरिन का पहले तो सिंबल लिखो फ्लोरिन का सिंबल है एफ है ना अरे कलर भरो भाई भरोन का सिंबल है एफ अब इसका एटॉमिक नंबर ढूंढो क्या है इसका एटॉमिक नंबर हो गया नाइन या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी देख सकते हो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी नाइन होंगे ऑब्वियस बात है तो एटॉमिक नंबर हो गया नाइन तो एटॉमिक नंबर तो क्या है नाइन है एटॉमिक नंबर क्या है नाइन है इसका मतलब जेड इज इक्व टू नाइन z9 के बराबर है z मतलब एटॉमिक नंबर है अरे a फॉर एटॉमिक नंबर नहीं होता है तो एटॉमिक नंबर किसका होगा z के बराबर होगा तो z is equals to 9 दूसरा मास नंबर देखना है मास नंबर कैसे देखते हैं भाई मास नंबर यानी कि a हमको पता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन तो इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने हैं दस, प्रोटॉन कितने हैं 9 तो कितना हो गया a 10 9 यानी कि 19 है ना तो अब तुमको कैसे लिखना है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए तो हमको पता है कि भाई कोई भी एलिमेंट होता है हम लिखते हैं ए से जेड यानी कि ऊपर हम ए नीचे जेड तो, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है अब तुमको पता है ए फॉर एटॉमिक नंबर नहीं होता तो ए फॉर क्या होगा मास नंबर तो ये मास नंबर जो था 19 ये आ गया ऊपर

19 मास्ट नंबर है मतलब कि ये समझ जाऊंगा कि भाई ये न, अब नाइन जो है इसका एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए अब इसका मास नंबर है नाइनटीन तो मतलब नाइन प्लस कुछ ना कुछ करूंगा तो नाइनटीन आएगा तो मतलब दस जो है वो इसका क्या हो गया नंबर नंबर ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता नंबर मिल जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स पता है इलेक्ट्रॉन तो भर भर फिर अगर वो कर दिया तो जाएगी तो सिर्फ इतने से से मुझे पूरी पूरी चीज पता जा जा जाती है अब इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक जो कि आइसोटो आइसोबार आइसोटोन्स हमने बस क्या किया हमने कुछ जोड़ी बना दिया हमने क्या किया जोड़ी जोड़ी नंबर 1 बना दिया जोड़ी भाई जोड़ी जे ओ डे डी आई जोड़ी बना दी हमने क्या किया हमने दो 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 करके एटम्स या दो दो करके इलेक्ट्रॉन सब उठाए और हमने उनको बोल दिया आइसोटोप्स मतलब क्या होता है वो एलिमेंट्स वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर अलग हो कैसे याद आदर हो पी आ रहा है पी मतलब प्रोटोन मतलब एटोमिक नंबर भाई प्रोटॉन से क्या मिलता है एटॉमिक नंबर मिलता है ना तो जिनका एटॉमिक नंबर सेम है उनको हम बोलते जिनका मास नंबर अलग है उनको बोलते हैं जिनका मतलब कुल मिला के? एटॉमिक नंबर लेना क्या जो होते है ना वो एक ही एलिमेंट के अलग अलग टाइप के एटम्स होते जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन एक एलिमेंट है इसके तीन टाइप के एटम्स एग्जिस्ट करते दुनिया के अंदर थीके? इसके तीन टाइप के एटम्स एग्जिस्ट करते हैं के अंदर। कौन -कौन से? पहला होता है प्रोटियम जिसका एटॉमिक नंबर तो हाइड्रोजन जो है अगर एक एलिमेंट है तो उसका तो वन है तो पक्की बात है पर इसके तीन अलग अलग टाइप्स के एग्जिस्ट करते हैं

और जो हमको हाइड्रोजन का जो मास है ना जो हमको मास पता है ये हमको एक्चुअली इन तीनों एटम्स का एवरेज एटॉमिक मास है ठीक है चलो ये तुमको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन है तो कार्बन दो प्रकार के होता है एग्जिस्ट करते हैं एक होता है ट्वेल्व सी सिक्स एक होता है मतलब कार्बन जो है वो दो टाइप का है एक वो कार्बन जिसका मास नंबर बारह है और एक वो कार्बन जिसका मास नंबर फोर्टीन है ठीक है अब तुम बोलोगे कि भैया इसका बारह नंबर है

Number, इंटू मास नंबर ठीक है प्लस दूसरा लेगा परसेंटेज इंटू मास नंबर ठीक है

थर्टी फाइव वाले होंगे और एक जो है वो थर्टी सेवन वाले होंगे ठीक है तो तुमको अगर इसको एक्जैक्ट परसेंट निकाल तो परसेंट निकालना बड़ा इजी है अगर तुमको रेशो दे है तो रेयो का मतलब क्या होगा थ्री टू वन इसका मतलब क्या है कि हर चार में से तीन ये है और एक ये हैं। कैसे है कैसे क्या मैंने चार थ्री प्लस वन कर दिया ठीक है तो तुमको बस इसका परसेंट निकालो तो बहुत सिंपल है पहले तो जो रेशो आ रहा है जैसे मान लो है तो पहले तो उसको एड कर दो तो पता चल जाएगा तुमको कि हम किसके हिस्से के बाद करें हम साथ के रहे हैं तो सात में से दो ये वाला और सात में से पांच ये वाला ऐसा करके देखते हैं तो पहले तुमको एड कर दो तुमको सात मिल जाएगा अब कुछ नहीं करना टू बाई सेवन इंटू हंड्रेड परसेंट

यूरेनियम का एक आइसोटोप है जो कि फ्यूल की तरह यूज होता है न्यूक्लियर के अंदर ठीक है न्यूक्लियर रिएक्टर होता है अलग अलग टाइप के उसमें फ्यूल की तरह यूज होता है जैसे हमारी गाड़ी के अंदर फ्यूल कौन सा होता है पेट्रोल डीजल वैसे न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर हम पेट्रोल डीजल डालेंगे उसके अंदर हम यूज करते हैं यूरेनियम का एक अलग टाइप का आइसोटोप मतलब एलिमेंट यही होगा इसका एक अलग टाइप का आइट होगा इसका मतलब क्या है कि यूरेनियम का देखो आइसोटोप समझ ना आइसोटोप मतलब क्या है एक ही एलिमेंट के अलग अलग टाइप क्योंकि हमको एटॉमिक नंबर सेम रखना है किसी एक का टाइप क्या पता जिसका मास नंबर अलग हो अलग मतलब आपस में अलग अलग हो ठीक है बस इतना ध्यान रखो ठीक है इतना ध्यान रखो भाई सिंपल सी बात है फिर से बता रहा हूं आइसोटोप मतलब सेम एटॉमिक नंबर कैसे रखोगे पी से पी फॉर प्रोटॉन पी फॉर एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन से पता चलता है

तो भाई आइसो बार्स के केस में मास नंबर सेम होता है और एटॉमिक नंबर अलग होता है ठीक है जैसे उसके केस में आइसोटोप के केस में एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर अलग होता है वैसे यहां पर मास नंबर सेम होता है और एटॉमिक नंबर अलग होता है आगे बात समझ में बहुत ही सिंपल सी बात है अब एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर्स व्हिच हैव सेम मास नंबर आर नोन एज आइसोबार इतनी बात क्लियर है बहुत ही बढ़िया

पोटेशियम और कैल्शियम मैंने क्या बोला प्रोटीन बोला क्या पोटेशियम और कैल्शियम इसका एग्जांपल है तुम देखो इसके मास नंबर भी अलग है इसके एटॉमिक नंबर भी अलग है पर इनका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं हम देखो भाई तुमको पता है कि मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन

ये तो मैंने खुद ने थोड़ा तुमको लगेगा कि भैया ये सब क्या हो गया पर तुम अगर खुद सोचोगे मिनट पॉज करके तो तुमको लगेगा अरे ये तो खुद दूसरी चीज है ना मैंने थोड़ी स्पीड में बता दी क्योंकि भाई इस चीज को लंबा मतलब नहीं क्योंकि वैसे मैथमेटिक्स प्लस माइनस ही करना है तो न्यूट्रॉन्स इज इक्वल्स टू एटॉमिक आ, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर अरे ए फॉर एटॉमिक नंबर नहीं होता है ठीक है बार बार बता चुका हूं तो यहां पर देखो थर्टी नाइन माइस नाइनटीन करो क्या आएगा ट्वेंटी यहां पर फोर्टी माइनस ट्वेंटी करो क्या आएगा ट्वेंटी तो दोनों के अंदर ट्वेंटी ट्वेंटी और मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है तो दैट बीइंग सेड हमने कंप्लीट कर लिया है चैप्टर हमारा पूरी तरीके से ये आइसोटोप्स आइसोबार्स और के बीच में डिफरेंसेस दे रखे हैं जो तुम ऐसे कैसे याद कर सकते हो और ये जो चैप्टर था हमने बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ही प्यारी तरीके से बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पूरी तरीके से समाप्त कर लिया है हम लोगों को तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में टाइम सीरीज के तब तक तुम ने तो इस चैनल को सब्सक्राइब किया तो भाई क्या कर रहे हो कहां से हो क्यों कर रहे हो ऐसा सब्सक्राइब करो फॉलो करो मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर एट द रेट कॉन्ड्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी टीग्राम चैनल जॉन किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो साथ में अगर तुमने तभी नाइथ बैच के अंदर एनरोल करना है तो तुम वो भी कर सकते हो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में वो हमारा पेड कोर्स है जिसके अंदर सारे लेक्चर थोड़े स्ट्रक्चर वगैरह तरीके से आते हैं तो उसमें अगर इंटरेस्ट हो तो वो भी लो आ, बाकी यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब कर लेना ठीक है हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट के अंदर तब तक के लिए गुड बाय टेक केयर जय हिंद, मातरम